देखो बिल्कुल सफ़ेद जड़ है, ये पुरानी जड़ हो चुकी है जो कट गई। अब ये जो जड़ कटी हैं, जड़ कटने से कोई नुकसान नहीं होनेगा, क्योंकि जो जड़ कटी हैं उससे ही भी ज़्यादा जड़ इसमें फैलेंगी और बहुत तेज़ी से। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रेंच विधि खेती चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान भाइयों, आज गन्ने में मिट्टी लगा रहे हैं और मिट्टी लगाने की हमारी हैरो है 4 तवों की, और ये वैरायटी है आपका 14201। यहाँ पर तो कुछ हल्की है दीवार की वजह से, बाकी इधर देखो बहुत ही बढ़िया चल रही है इस बार, और 13235 के बराबर आ रही है। देखो ये मिट्टी लगा रहे हैं, कितनी बढ़िया मिट्टी लग रही है इसमें। ये मिट्टी लगाने की हैरो है 4 तवों की, इसमें 2 आगे और 2 पीछे। देखो कितनी गहरी ज़बरदस्त मिट्टी लगा रही है ये, और इसी खूड में एक बार वापस लाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा। एक तो ये जो बीच में थोड़ी सी लाइन बच रही है, एक तो ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जब हम वापस लाएंगे तो ट्रैक्टर का पहिया यहाँ चलेगा, मतलब इस बार एक पहिया यहाँ आएगा और एक पहिया यहाँ। तो ये मिट्टी जो चढ़ी है ये लगभग 3-4 इंच बैठ जाएगी, और जब ये बैठ जाएगी इसके ऊपर दोबारे से मिट्टी चढ़ जाएगी तो ये गन्ना फिर गिरने का नहीं है। पौधा और पेटी गन्ना ना गिरने का ये सबसे बड़ा कारण है, एक ही खोड़ में 2 बार आना जाना कर देते हैं तो फिर गन्ना गिरता नहीं है। अब ये बीच में जो लाइन बच रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। देखो ये इसकी, ये इसमें घुमा दिया और इसी खूड में अब वापस लेके जा रहे हैं। तो किसान भाइयों ये देखो आप, इस खूड में दोबारा से निकाला है ट्रैक्टर, और ये देखो आप इसका ये स्लोप आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, लगभग 1.5 से 2 फीट का स्लोप है ये यहाँ से और ये नीचे यहाँ तक, ग्राउंड लेवल जो है इसका ये है 1.5 से 2 फुट स्लोप की मिट्टी लगा रहा है। और ये जड़ देखो इसकी जड़ें, ये देखो गन्ने की ये बीच में जड़ें हैं, ये सब कट गई, ये इधर लग जाएंगी। अच्छा अब देखो आप, गन्ना क्यों नहीं गिरता, जैसे हमने मिट्टी लगा दी हमारा गन्ना लगभग, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, ये इसका टॉप है यहाँ तक और ये इसका बेस है, और इससे भी लगभग 9 या 10 इंच गहरा गन्ना है, और ये लगभग 1 फुट मिट्टी हम मान के चल रहे हैं, यहाँ से इधर से 1 फुट मिट्टी लग गई। अब इस 1 फुट में आप देखो ये 14201 में कितनी पोरियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी बनेंगी 6, 7, 8, लगभग 8 या 9 पोरी हमने इसमें दबा दी। अब जब ये इसमें दब गई, लोबा कहते हैं कि आपका गन्ना दब गया गन्ना हल्का रह जाएगा, लेकिन गन्ना हल्का नहीं रहता, इसमें से जड़ें निकलेंगी वो खेत में से भोजन उठाएंगी, ये देखो यहाँ तक मैं अभी यहीं था और ये यहाँ तक मिट्टी लग गई इसमें। तो इसमें से जो जड़ें निकलेंगी, एक तो उन्हें उनका बेस बनेगा, मजबूती मिलेगी, मतलब यहाँ हर जो गांठ में से जड़ निकलेंगी, तो आप ही लगा लो 8 इसमें गांठ जब दब चुकी हैं तो 8 में से जब जड़ निकलेंगी मिट्टी में पकड़ बनाएंगी, पकड़ बनाने के साथ साथ जड़ें इसमें जो मिट्टी हमने ये 1.5-2 फुट का स्लोप बनाया है इसमें जड़ें फैलेंगी, और जो भी इसमें हमारे पोषक तत्व हैं सारे इधर आ चुके हैं और इसमें जड़ों का फैलाव होगा, जड़ें उसे पोषक तत्व को ग्रहण करेंगी और उसके बाद ये गन्ना हाइट भी लेगा, मोटाई भी बढ़ेगी इसकी। ये देखो आप, इसकी ये जड़ें बिल्कुल सफ़ेद हैं, यानी कि ये भोजन उठा रही हैं बहुत अच्छे से, और जड़ों का विकास भी हो रहा है और स्वस्थ जड़ें। अब आप ये देखो ये नीचे ये लाल मिट्टी आ रही है,
तो यहाँ से मिट्टी कितनी गहरी उठाई है इसने, ये फायदा होता है हैरो से मिट्टी चढ़ाने का। जो आपका रेजर है या दो तवे वाले हैं वो इतनी अच्छी मिट्टी नहीं चढ़ा पाने के इस गिल्ले मतलब बरसात के मौसम में। और आज तारीख है आपका 19 जुलाई, 19 जुलाई है, बरसात की वजह से लेट हो गए इस बार। और गन्ने की हाइट मैं आपको दिखा दूं, लगभग 8 से 9 फुट गन्ने की हाइट है ऊपर टॉप पत्ते समेत। और अभी तक इसमें गन्ना यहाँ तक ये इस यहाँ तक गोला है, इससे नीचे गन्ना है इसमें, हालांकि अभी कच्चा है गन्ना, तो इस वजह से ये गन्ना गिरता नहीं है, ना ही पेड़ी का और ना पौधे का। दोबर मैंने आपको वो भी बता दिया, दोबर मिट्टी क्यों लगानी चाहिए, दोबर मिट्टी लगाने से गन्ना मजबूत हो जाता है, गिरता नहीं है। पहली वाली मिट्टी दब जाती है और दूसरी मिट्टी और चढ़ जाती है इसमें। देखो बिल्कुल सफ़ेद जड़ है, ये पुरानी जड़ हो चुकी है जो कट गई। अब ये जो जड़ कटी हैं, जड़ कटने से कोई नुकसान नहीं होने का, क्योंकि जो जड़ कटी हैं उससे ही भी ज़्यादा जड़ इसमें फैलेंगी और बहुत तेज़ी से फैलेंगी। ये देखो आप, बढ़िया हाइट हो रही है, 14201 वैरायटी है। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक किसानों तक जानकारी पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये 13235 वैरायटी है, इसकी भी हाइट मैं दिखा देता हूं आपको, ये भी लगभग 14201 के बराबर आ रहा है। धन्यवाद।